गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी और संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10th के बारे में, जिसका नाम है दो वारिकस्य सेवा निष्ठा, यानी कि डोर कीपर है उसकी सेवा निष्ठा, उसकी प्रामाणिकता, उसकी वफादारी। यहाँ पर दोस्तों महाराज शिवाजी की बात है। शिवाजी महाराज जब अपने एक डोर कीपर की परीक्षा लेने के लिए एक सन्यासी का जो रूप है वह लेकर आते हैं, और उस वक्त डोर कीपर के साथ उसकी जो बातें होती है, उन दोनों के बीच में जो संवाद होता है, यह हमारे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, जो कि इस प्रकार है। बॉर्न इन राजस्थान पंडित अंबिका दत्त व्यास, हु मेड वाराणसी हिज होम आफ्टर बींग एजुकेटेड देयर, ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस अमंग अ मॉडर्न संस्कृत राइटर्स। कि राजस्थान में जन्मे हुए और विद्याभ्यास के लिए वाराणसी गए और वहीं पर स्थायी हो चुके पंडित अंबिका दत्त व्यास का नाम आधुनिक यानी कि मॉडर्न संस्कृत साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान पर लिया जाता है। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज मॉडर्न वर्क शिवराज विजय। दोस्तों, शिवराज विजय पंडित जो राजस्थान में जन्मे हुए पंडित अंबिका दत्त व्यास है, उनका यह मॉडर्न उपन्यास ग्रंथ है, और यही उपन्यास ग्रंथ के कारण उनकी जो प्रसिद्धि है वह भी थी। तो आगे कहते हैं, द स्टाइल ऑफ दिस संस्कृत नॉवेल इज ईजी एज वेल एज सीरियस। तो इसकी जो स्टोरी है वह बहुत ही ब्यूटीफुल और साथ में बहुत ही सीरियस भी है। द फ्लो ऑफ नैरेटिव इज स्मूथ एंड होल्ड्स द अटेंशन ऑफ द रीडर। इसकी जो स्टोरी है यह कुछ ऐसी है कि जो भी ये पढ़ने को बैठता है उसे लास्ट तक यह अटेंशन में ही रखती है। दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि द नॉवेल डील्स विथ मैनी ऑफ द हीरोइक एडवेंचर ऑफ छत्रपति शिवाजी। या जो ये स्टोरी है इस चैप्टर में, यह शिवाजी महाराज ने जो पराक्रम किए हैं उसकी बहादुरी जो है उसे बयां करती हुई यह स्टोरी है। ऑल्सो इंक्लूडेड इज द सागा ऑफ हिज मैनी पीरियडिक विक्ट्रीज। शिवाजी महाराज ने जो कई सारे विजय प्राप्त किए उनकी स्टोरी को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। देर वर मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द विक्ट्रीज। तो ये जो विक्ट्रीज है इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल थे। ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस इज द फैक्ट ऑफ इवन द लोएस्ट ऑफ हिज सर्वेंट वॉज ऑनेस्टी। तो स्पेशल खास करके हम कहें कि उसका जो लोएस्ट सर्वेंट था वह भी बहुत ही ऑनेस्टी था, उसे पूरी तरह से वफादार, प्रामाणिक और निष्ठावान था, तो यह बात बताई गई है। फोकस एंड फेथफुल हिज मास्टर। द प्रेजेंट एक्सपर्ट प्रूव दिस पॉइंट। A guard who is performing an ordinary job is faithful to his master without being attracted by any greed and temptation or avarice. This guard is an idol even today. यानी कि जो गार्ड है यहाँ पर डोर कीपर, वह किसी भी लोभ लालच या प्रलोभन में फंसता नहीं है, उसे कुछ लोभ नहीं है, उसे कुछ जिसे हम कहें कि ग्रीड या टेम्पटेशन जैसा कुछ है ही नहीं। तो सच में ये हमारा आइडल बना रहता है, हमें यह एक आदर्श देता है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो इस प्रकार है। द एम ऑफ दिस लेसन इज दैट अलोंग विथ एंसर्स ऑफ सर्विस ऑनेस्टी शुड बी इंस्टिल्ड इन स्टूडेंट्स। दोस्तों, यहाँ जो हमें यह पैराग्राफ दिया गया है, तो खास करके इस चैप्टर में जो स्टूडेंट्स है उसमें जो सेवा भावना है और साथ में जो प्रामाणिकता है, इसके मूल्यों का सिंचन हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये चैप्टर हमें दिया गया है। आगे कहते हैं कि अटेंशन शुड बी पेड टू द परफॉर्म टू द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। कि साथ में यहाँ इस चैप्टर में जो पार्टिसिपल दिए गए हैं, कर्तुपद, और उसके साथ में ही पार्टिसिपल एंड कॉनकॉर्ड विथ वर्ब्स इन द प्रेजेंट टेंस। तो साथ में हमें प्रेजेंट टेंस का भी अभ्यास करते जाना है। बेस्ड ऑन द वर्ब्स यूज इन दिस लेसन यू शुड ऑल्सो लर्न द कैरेक्टर यूज ऑफ पर्सन।
जैसे कि यहाँ जो पर्सन है उसकी भी हमें बात ध्यान में रखते जाना है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सीधे चैप्टर की। चैप्टर इस प्रकार से है, एकदा दो वारी कह भव्य मूर्तिम संन्यासीनम अपश्यत। एकदा दो वारी कह भव्य मूर्तिम संन्यासीनम अपश्यत। कि वंस द डोर की और सो अ मेंडिकंट, मेंडिकंट यानी कि साधु जिसे हम कहते सन्यासी, ततः तयो मध्ये एवं वार्तालाप अभवत। उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार से बातचीत होती है। विथ अ मैग्निफिसेंट ऑफ देन द कन्वर्जेशन टुक प्लेस बिटवीन देम एज फॉलोस। तो उसके बाद जो सन्यासी है और जो डोर कीपर है उसके बारे में जो बातें होती हैं यही बातें हमें आज पढ़नी है। फिर से इसका ट्रांसलेशन मैं आपके सामने बोलता हूँ कि वंस द डोर कीपर सो अ मैंडिकंट, मैंडिकंट का मतलब होता है दोस्तों साधु सन्यासी, सन्यासी विथ अ मैग्निफिसेंट फॉर्म देन द कन्वर्जेशन टुक प्लेस बिटवीन देम एज फॉलोस। तो अब सन्यासी कहते हैं, कथम अस्मान सन्यासी न अभी तिरस करोसी, कि डोर कीपर से कहते हैं कि क्यों आप हमारे जैसे सन्यासियों का भी तिरस्कार करते हैं, उन्हें रोकते हैं। तो कहते हैं कि हाउ इज इट दैट यू हैड अस मेंडिकंट्स सन्यासीज ऑल्सो, कि तुम हमारे जैसे जो सन्यासी लोग होते हैं उनका तिरस्कार क्यों करते हो, उन्हें महाराज के पास जाने क्यों नहीं देते। तो जो द्वारपाल है वह कहता है, दो वारी कह भगवान प्रणमामि, कहता है कि वेनरेबल सर अबो डाउन टू यू, कि वेनरेबल सर अबो डाउन टू यू, कि श्रीमान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, परंतु स्वकीय परिचय अदत्वा न कश्चित प्रवेशुम अर्हति। कहते हैं कि एंटर विदाउट द रिवीलिंग हिज ऑन आइडेंटिटी, कि अपनी आइडेंटिटी बताए बिना अपना परिचय दिए बिना कोई भी है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ तक दोस्तों ये तीन डायलॉग हो गए। अब बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन के, जो कि इस प्रकार है, वंस द डोर कीपर सो अ मेंडिकंट्स यानी कि सन्यासी विथ अ मैग्निफिसेंट फॉर्म देन द कन्वर्जेशन टुक प्लेस बिटवीन देम एज फॉलोस। सन्यासी, हाउ इज इट दैट यू हैड अस मेंडिकंट्स सन्यासीज ऑल्सो। डोर कीपर, वेनरेबल सर अबो डाउन टू यू, बट नो वन कैन एंटर विदाउट रिवीलिंग हिज ऑन आइडेंटिटी, कि अपनी आइडेंटिटी बताए बिना कोई भी महाराज के पास नहीं जा सकता, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं इसके ग्रामर की। तो यहाँ ग्रामर आपको पहले तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट जो लाइन है उसमें फोर्थ वर्ड है संन्यासीनम। तो जैसा मैंने आप लोगों को अब तो कई बार समझा भी दिया है कि लास्ट में जब म हलंत आता है तो वो होता है द्वितीय विभक्ति एकवचन। जैसे हम राम का रामम करते हैं, वन हो तो वनम करते हैं, उसी तरह यदि स्त्रीलिंग में लता हो तो लताम करते हैं। ये हो गया द्वितीय विभक्ति एकवचन। उसके बाद जो अपश्यत और अभवत रूप है, तो इसके लिए मैंने जो आप लोगों को पास्ट टेंस का वीडियो भेजा है वो आपको लेकर बैठना होगा, क्योंकि आगे अ लगता है तो अब तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पास्ट टेंस है और लास्ट में त तो प्रत्यय है वो भी हलन। पास्ट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एकवचन का रूप है अपश्यत, और वैसे ही है अभवत। दोनों में जो शब्द है उसका चेंज है, यहाँ पर पश्य है यहाँ पर भव है, बाकी जो वर्ब्स है वो तो एक ही है। दूसरी लाइन में यदि बात करें तो वहाँ पर दो वारिक बोलता है कि भगवान प्रणमामी, तो प्रणमामी तो ये प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी उत्तम पुरुष एकवचन का रूप आप जानते हैं। स्वकीयम शब्द जो है उसका ऑपोजिट पूछा जाए तो उसका ऑपोजिट होता है परकीयम।
स्व की हम यादि की यानी कि खुद का, पर की हम यानी किसी और का, तो संस्कृत में पूछा जाता है ये। इसके अलावा अदत्वा जो वर्ब है वो क्रियापद में आपको पूछा, सॉरी कृदंत में पूछा जाता है, तो अदत्वा कृदंत, तो त्वा इत्वा त्यो और य प्रत्यय लगने से होता है संबंधक भूत कृदंत, और लास्ट वर्ड जो है प्रवेश तुम, तो तुम इतुम लगने से होता है हेतुअर्थ। अर्हति जो वब है वह मैं अब आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता होगा ही, क्योंकि यदि आपको पता नहीं है तो मैं आगे इसके बारे में ऐसा कोई रुपाएगा तो इसकी बात आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। बात करते हैं आगे, ये ट्रांसलेशन जो आप देख चुके हैं। अब आगे सन्यासी सत्यम, सन्यासी कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही हो, वॉट यू से इज ट्रू, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। क्षांत अयंते अपराधः, दिस ऑफेंस ऑफ योर्स इज फॉर गिवन, तुमने ये जो अपराध किया है ये क्षमा के योग्य है, यह क्षमा करने लायक है। किंतु अद्य प्रभृति त्वं संन्यासिनः पंडितान् ब्रह्मचारिणः स्त्रियः बालाः च न अवरोधुं शक्नोषि, बट फ्रॉम टुडे यू कैन नॉट स्टॉप संन्यासिन स्कॉलर्स सेलिब्रिटीज वुमन एंड चिल्ड्रंस, कि आज के बाद कभी भी तुम संन्यासी पंडित जैसे हम कहें स्कॉलर्स ब्रह्मचारी स्त्री यानी वुमन और बाला यानी कि जो चिल्ड्रन हैं उसे कभी मत रोकना। संन्यासी उसे यहाँ जैसे कि उपदेश देते हैं कि ठीक है कि तुम वफादार हो, अगर आज के बाद तुम इतने लोगों को कभी मत रोकना। तो दो बारी क्या कहता है, संन्यासी न बहु उत्तम, ओ संन्यासी टू मच एज बीन सेड बाय यू, आपने तो बहुत कुछ कह दिया, कि संन्यासी आपने बहुत कुछ कह दिया, कि टू मच एज बीन सेड बाय यू, विरम यानी कि स्टॉप, कहते हैं बस, अब आप बस कीजिए, आगे कुछ मत बोलिए। वयम दो वारिका ब्रह्मणम अपि आज्ञाम न प्रतीक्षामहे, हम तो डोर कीपर है और हम डोर कीपर ब्रह्मा जी के ऑर्डर्स की भी कहते कि वेट नहीं करते, तो कहते कि विद द डोर कीपर्स डू नॉट वेट फॉर इवन लॉर्ड ब्रह्मास ऑर्डर्स, हम ब्रह्मा जी के ऑर्डर्स का भी वेट नहीं करते। क्यों ऐसा कहा दोस्तों, तो कहने का उसका तात्पर्य यह है डोर कीपर का कि हमारे लिए तो जो भगवान है यह हमारा मालिक है, यह हमारा महाराज ही है, हमारा जो राजा है, हमारा जो अन्नदाता है वही हमारा भगवान है, उसकी आज्ञा के बगैर हम कुछ कार्य नहीं करते, उसके सामने हम ब्रह्मा जी की आज्ञा भी नहीं मानते। तो कहते हैं कि डू नॉट वेट फॉर इवन लॉर्ड ब्रह्मास ऑनर्स, हम तो सिर्फ उनकी ही आज्ञा का पालन करते हैं, यदि आप ब्रह्मा जी के उतारे तो भी हमें क्षमा कीजिए, मगर हम आपका ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते। तो बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की, तो इस प्रकार है, संन्यासी कहते व्हाट यू से इज ट्रू, दिस ऑफेंस ऑफ योर्स इज फॉर गिवन, बट फ्रॉम टुडे यू कैन नॉट स्टॉप संन्यासी स्कॉलर्स सेलिब्रेट्स वुमन एंड चिल्ड्रन, तो डोरकीपर ने कहा ओ संन्यासी टू मच एज बीन सेड बाय यू, स्टॉप विद द डोरकीपर्स डू नॉट वेट फॉर इवन लॉर्ड ब्रह्मास ऑर्डर्स। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं इसके ग्रामर की, ग्रामर में यहाँ अपराध शब्द जो है तो उसका ऑपोजिट होगा निरअपराध, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, अपराध निरअपराध पूछा जाता है। इसके बाद आगे बात करें तो बालाहा शब्द जो है वह
बाल बालो बाला प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। बाल अकारांत प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये मोस्ट टाइम भी है, आपको नाइन्थ में भी पूछा जा सकता है और टेंथ में भी पूछा जा सकता है। तो जो अकारांत में राम का रामा प्रथमा द्विवचन होता है, इसी तरह बाल का हुआ है बाला। अकारांत पुरलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो उसके बाद अवरोधुम है, वो होता है हेतुअर्थ कृदंत, क्योंकि हेतुअर्थ में तुम और इतुम प्रत्यय लगते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि तुम और इतुम की जगह धूम ढूम या तुम भी दिए गए होते हैं। यहाँ अवरोधुम है तो होता है हेतुअर्थ। बहु प्लस उक्तम हो गया बहुक्तम, और आज्ञा तो अवज्ञा, या तो हम कहें कि आज्ञा तो अनादर, इसका ऑपोजिट होता है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे, जो ट्रांसलेशन आप देख चुके हैं, यह चित्र जिसमें एक जो मैंडिकंट है साधु संन्यासी, यह सामने डोर कीपर खड़ा है, दरवाज़ा जो बंद है उसके पास, तो डोर कीपर उसे अंदर जाने से रोकता है और कहता है कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते। तो ऐसा यह चित्र आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, संन्यासी कहता है साधु मार्गम आदेशय, कि ठीक है मुझे मार्ग बता, फाइन सौमेधवे मुझे रास्ता दिखा। महाराज निकटे गंतुम इच्छामि, कि आई विश टू गो नियर हिज मैजेस्टी, मैं मैजेस्टी यानी कि जो महाराज है उसके पास जाना चाहता हूँ। तो दो बारी यानी कि डोर कीपर कहता है न शक्यम नॉट पॉसिबल, प्रभाते महाराजस्य संध्या उपासना काले प्रवेशम कर्तुम अर्हसि, यू कैन एंटर इन द मॉर्निंग विच द मैजेस्टी टाइम फॉर प्रेयर, कि मैजेस्टी का जो प्रेयर का टाइम है मॉर्निंग में, वो जो प्रेयर करते उसी वक्त तुम अंदर प्रवेश कर सकते हो, न तो रात्रो बट नॉट एट नाइट, रात के वक्त नहीं। सन्यासी उसे कहता है किम को भी रात्रो न प्रवेश दे, कि इज इट दैट नो बडी गोज इन एट नाइट, कि इज इट दैट नो बडी गोज इन एट नाइट, क्या रात के वक्त में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो दो बारी कहता है आहुतान परिचितान च परित्यज्य को अपी नो बडी एक्सेप्ट धोज हु आर इन्वाइटेड एंड हु आर नॉन, कि जो जिसे इन्वाइट किया गया है और जो परिचित है, जो जान पहचान वाले हैं, वही लोग रात्रि के वक्त में प्रवेश कर सकते हैं, उसके अलावा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। विशेष तो भवादृशा यह तुम्बिधारिका द्वारा तद्वारम भ्रमंती, कि एज ए स्पेशली पर्सन लाइक यू हु इंडीड कैरी ऑन गॉड एंड गो फ्रॉम डोर टू डोर, खास करके तुम्हारे जैसे जो ये तुम्बी पात्र लेकर एक डोर से दूसरे डोर तक घूमते रहते हो, यहाँ से वहाँ भटकते रहते हो, तो ऐसे लोगों को छोड़कर और कोई रात्रि के वक्त में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आइए बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। संन्यासी कहते हैं फाइन सो मिधवे आई विश टू गो नियर हिज मैजेस्टी, डोर कीपर नॉट पॉसिबल, यू कैन एंटर इन द मॉर्निंग विच द मैजेस्टीज टाइम फॉर प्रेयर बट नॉट एट नाइट। संन्यासी इज इट दैट नो बडी गोज इन एट नाइट, डोर कीपर नो बडी एक्सेप्ट दोज हु आर इन्वाइटेड एंड हु आर नॉन, एज अ स्पेशली पर्सन लाइक यू हु इंडेड कैरी अ बोर्ड एंड गो फ्रॉम डोर टू डोर। तो ये हुआ ट्रांसलेशन। बात करते हैं आगे इसके ग्रामर की। तो महाराज निकटे गंतुम इच्छामि, तो यहाँ गंतुम जैसे अभी मैंने बोला हेतुअर्थ कृदंत होगा, इच्छामि
तो प्रेजेंट टेंस आपको अब पता है। यहाँ से दोस्तों आपको संस्कृत में एक क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर कि सन्यासी कस्य समीपम गंतुम इच्छति, सन्यासी कस्य समीपम गंतुम इच्छति, तो सन्यासी महाराज समीपम गंतुम इच्छामि, सन्यासी कुत्र गंतुम इच्छामि ऐसा के कभी पूछा जाता है, तो सन्यासी कहाँ जाना चाहता है, सन्यासी महाराज निकटे गंतुम इच्छामि या तो इच्छति इच्छति कहेंगे क्योंकि हमारे लिए वह अन्य पुरुष हो जाता है, तो सन्यासी महाराज निकटे गंतुम इच्छति। आगे कहते हैं कि ग्रामर में प्रभात शब्द है तो उसका ऑपोजिट होता है सायं, यह आपको पूछा जाता है प्रभात तो सायं। कि उसके बाद कहते हैं कि महाराज के पास कौन और किस वक्त जा सकते हैं, या तो ऐसा पूछा जाए और क्वेश्चन कि द्वारात द्वारम के भ्रमन्ति, द्वारात द्वारम के भ्रमन्ति, द्वारात द्वारम तुम्बिधारका सन्यासी न भ्रमन्ति। इसके बाद ग्रामर में अर्हसी क्रियापद जो प्रेजेंट टेंस का रूप आप जानते हैं, तीसरी लाइन में को अपि जो विसर्ग संधि में आपको बार बार बोलता हूँ कि कह प्लस अपि को अपि, विसर्ग का हो गया ओ और अ के स्थान पर लग दिया उग्र। प्रविश्यति यह प्रेजेंट टेंस का रूप है, परित्यज्य तो परित्यज्य जो है यहाँ यह प्रत्यय लगने से होता है संबंधक बोध क्रुदंत, तो इतने इसके ग्रामर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा लास्ट में भ्रमन्ति भी है मगर मैं आपके ऊपर ये छोड़ता हूँ, प्रेजेंट टेंस से इतना आपको बता देता हूँ कि आप अच्छे से इसे कर सकें, ठीक है। तो इसका ग्रामर आप अच्छे से कर लेना और साथ साथ में जो ट्रांसलेशन यहाँ दिया गया है उस पर भी आप खास करके थोड़ी सी मेहनत करोगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको कोई डाउट या डिफ़िकल्टी नहीं होगी। यदि आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में ना आया हो या कोई डाउट या डिफ़िकल्टी है तो आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या तो किसी भी वक्त में मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हम इस चैप्टर को रखते हैं, अस्तु।